नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइस न्यूज। थाना मगुलपुरा क्षेत्र में नगर निगम की सड़क पर अवैध कब्जे को लेकर दो पक्षों में विरोध। इधर पूरे देश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में एक विश्व एड्स दिवस अभियान। मुरादाबाद के जिला चिकित्सालय में विश्व एड्स दिवस पर जागरूकता अभियान की गई शुरुआत। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर MC गर्ग ने जागरूकता अभियान कैंप की शुरुआत। मुरादाबाद में महिला की संदिग्ध हालत में गला दबाकर हत्या। थाना मजोला क्षेत्र के गगन बाली मैनठेर की है घटना। 5 बदमाशों ने घर में घुसकर महिला का गला दबाकर की हत्या। लूट की घटना को दिया अंजाम। महिला के परिजनों ने पति पर लगाया आरोप। पुलिस ने शुरू की जांच। जहां मुरादाबाद के रेलवे चिकित्सालय में नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के पदाधिकारियों का प्रदर्शन। रेलवे अस्पताल में नहीं मिल रही रेलवे कर्मचारियों को सुविधाएं। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी का घेरा। रेलवे अस्पताल की लापरवाही पर उठाए सवाल। यूनियन के पदाधिकारियों ने की जमकर नारेबाजी। मुरादाबाद MLC चुनाव 15 प्रत्याशी मैदान में। मतदान के दौरान सभी ने किया अपनी जीत का दावा। मुरादाबाद में MLC चुनाव में प्रत्याशियों के समर्थकों ने कहा हमारी जीत पक्की। मतदान केंद्रों के बाहर प्रत्याशियों के समर्थकों ने कैंप लगाए। इधर महानगर के विभिन्न क्षेत्रों में कछुआ गति से जारी सीवर लाइन कार्य। बरादरी एवं झाबू का नाला आदि क्षेत्रों के लोग उबड़ खाबड़ सड़कों पर दिन भर उड़ने वाली धूल एवं जाम से हैं परेशान। इधर मुरादाबाद के गांधीनगर पब्लिक स्कूल 23 NCC बटालियन द्वारा NCC क्रेडिट चयन प्रक्रिया हुई आयोजित। गांधीनगर पब्लिक स्कूल में लिखित परीक्षा में विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर किया प्रतिभाग। इधर मुरादाबाद के थाना मजोला में पुत्रवधू से बलात्कार एवं विरोध करने पर पुत्र की हत्या कर फरार आरोपी पिता गिरफ्तार। 27 नवंबर को अपने ही पुत्र दुष्यंत के सीने में 2 गोली मारकर हुआ था फरार। मुरादाबाद की थाना मजोला पुलिस ने बेटे की हत्या के आरोपी वीरेंद्र को किया गिरफ्तार। इधर आज जिलाधिकारी मुरादाबाद एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद द्वारा जनपद में उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन 2020 के मतदान केंद्रों का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था आदि का निरीक्षण किया गया तथा संबंधित को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। इधर BKE समिति गरीबों की बेटियों की शादी में सहयोग का बढ़ाया हाथ। सहयोग करना मानवीय गुण है। VKE समिति द्वारा गरीब परिवार की बेटियों की शादी में आर्थिक या फिर शादी संबंधी सामान देकर परिवार का सहयोग करें। संस्था शादी पंजीकरण होने पर सहयोग का हाथ तुरंत बढ़ाती है। समिति का उद्देश्य भारत जोड़ो अभियान, सम्मान, सहयोग और पहचान है।